हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जेठ माह की अमावस्या तिथि जैसे जैसे आती है, सुहागनों के दिल की धड़कन तेज होती जाती है। अपने पति की लंबी आयु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए जैसे सभी लोग करवा चौथ रखते हैं, इसी तरह से आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है वट सावित्री का व्रत। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक और जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। तरीका सेम होता है, लेकिन स्कंद पुराण में और भविष्य उत्तर पुराण में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये व्रत करने का विधान बताया गया है। वहीं निर्णय अमृत आदि के अनुसार जेठ माह की अमावस्या तिथि को ये व्रत करने की बात कही गई है। जो भी हो, सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला है, संतान प्राप्ति में सहायक है और सभी के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण व्रत है और हर महिला इसे बड़े चाव और विश्वास के साथ रखती है। कुंवारी लड़कियां हो, विवाहिता हो, कुपुत्रा हो, सुपुत्रा हो, विधवा हो, सभी स्त्रियां इस व्रत को रखें सुख शांति के लिए, क्योंकि सौभाग्य वर्धक है, पाप हरक है, दुख प्रणाशक है और धन धान्य को प्रदान करने वाला है। सभी को इस दिन जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वत्थपति नाम का एक राजा राज्य करता था, जो कि बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्रकार के सुख होने के बावजूद उसके कोई संतान नहीं थी और उसने 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या कर एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति की, जिसका नाम उसने सावित्री ही रखा। दिनों दिन जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, कोई वर नहीं मिला, तब राजा ने एक दिन सावित्री से कहा कि बेटी, अब तुम योग्य हो गई हो विवाह के और अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। और पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली और कुछ दिनों बाद लौट करके आई और वहाँ देखा तो देवर्षि नारद अपने पिता के साथ बैठे थे। दोनों को प्रणाम किया और यात्रा का समाचार पूछने पर बताया कि तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य है, अतः मैंने उन्हें ही अपना पति चुना है। पर नारद जी मना करने लगे और कहा कि उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष ही शेष है। इसकी बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए और कहा कि बेटी, तुम किसी और को अपना योग्य वर मानो। लेकिन सावित्री सती थी और उसने कहा कि सत्यवान चाहे अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, अब वो ही मेरे पति हैं। मैंने उन्हें एक बार अपना पति स्वीकार कर लिया तो मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। अतः उन्होंने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर गया और उसे विदा कर दिया। धीरे धीरे समय आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी और सावित्री ने पहले ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया था और पति और सास ससुर की आज्ञा से जिस दिन उसके पति के प्राण जाने वाले थे, उस दिन वह भी अपने पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई। अचानक लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा और पेड़ के नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उस समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वो साक्षात यमराज थे और सावित्री ने कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलती गई और उसे आता देखकर यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं उनके साथ ही रहूँगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने उसे बहुत समझाया, दैवीय विधान समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और पीछे पीछे चलती रही। और उसकी निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने कहा, पति के प्राण तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम कोई वर मांग लो। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करिए। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। लेकिन यमराज की बात सुनने के बाद भी उसने कहा कि मुझे पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, उनके पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। और वापस से यमराज आगे आगे और सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर यमराज ने उसे गुस्से में कहा, चलो तुम एक और वर मांग लो और जाओ यहाँ से। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वो वापस दे दीजिए, साथ ही वो धर्म परायण बने रहें, ऐसा आप कोई उपाय कीजिए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु, और सत्यवान के प्राण को लेकर चले। देखा तो सावित्री फिर से पीछे पीछे आ रही है।
तब यमराज ने रुककर बड़ी दृढ़ता से कहा, अच्छा चलो एक और वर देता हूँ, जो मांगना है मांग लो, आखिरी वर है, इसके बाद तुम लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपने आप को सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा और यमराज ने परेशान होकर बिना ध्यान दिए ही तथास्तु कहा, आगे आगे चल दिए और सावित्री फिर उनके पीछे पीछे। इस बात से यमराज आग बबूला हो गए। अब पूछा, अब क्या हुआ? तब यमराज को क्रोधित देखकर सावित्री ने दोनों हाथों से उनको प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं बिना पति के माँ कैसे बन सकती हूँ, इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपनी कही हुई बात को पूरा करें। यमराज ने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया है। और सावित्री की बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का मन पिघल गया। सावित्री के तीनों वरदान तो पूर्ण होने का यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया ही दिया और कहा, आगे भी सावित्री के पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को भी अपने पास से मुक्त कर दिया। और सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वापस वट वृक्ष के नीचे पहुंची। सत्यवान जीवित होकर राम राम करके उठ बैठे और दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा तो माता पिता के राज्य की प्राप्ति हो गई है, दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो गई है और इस प्रकार चिरकाल तक सावित्री सत्यवान अपने परिवार सहित उन्होंने सुख समृद्धि से राज्य किया। इस तरह से जो भी कहा जाता है कि जिस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर कोई भी प्रकार का संकट आता है तो वह टल जाता है। और तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान आता है। कहा जाता है जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, सौभाग्यवती महिला की मनोकामना पूर्ण होती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। और आप देखेंगे इस पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन, बरगद के वृक्ष की। आप देखेंगे पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, इन्हें देवी सावित्री का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे भी वट वृक्ष का महात्म्य बहुत होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में त्रिनेत्रधारी शिव का निवास माना गया है। और जो भी मनुष्य इसका पूजन करता है, अग्नि पुराण में तो बरगद का वृक्ष उत्सर्जन भी दर्शाता है, इसलिए संतान प्राप्ति जो महिलाएं चाहती है उनको भी ये व्रत करना चाहिए। इसके लिए खास विधि बहुत आवश्यक बताई गई है। खासकर पूजा में आपको चने का उपयोग जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि जो यमराज ने प्राण लौटाए थे सत्यवान के, तो उसने चने के रूप में सावित्री को प्राण दिए थे और वो सत्यवान के शव के पास आई और चने को सत्यवान के मुख में रख दिया था, इससे ही सत्यवान पुनः जीवित हुए थे। इसलिए कहा जाता है आज के दिन चने चढ़ा करके चने से पूजन करना चाहिए और अपने पति को भी चना खिलाकर खुद भी चना खा करके व्रत खोलना चाहिए। इस साल 10 जून को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। गुरुवार का दिन है, अमावस्या तिथि है और सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सभी को सावधानी रखना है। ये ग्रहण भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, बाकी किसी भी राज्य में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। जो भी पूजा पाठ आप इस दिन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और जो मुहूर्त है वो मैं बता देती हूँ, बस ये ध्यान रखना है राहु काल में, यमगंड काल में, आडल काल में, दू मुहूर्त में और कुलिक काल में पूजा नहीं करनी है। उसका लिस्ट आप देख लीजिए चार्ट में, नीचे समय बताया है, इस दौरान आपको पूजा नहीं करनी है। शुभ काल में आपको पूजा करनी है, अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है। अमावस्या की तिथि आपकी 9 जून को बुधवार को दोपहर को 1:57 पर शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 10 जून को गुरुवार के दिन शाम को 4:20 पर होने वाली है। जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 11 तारीख को करेंगे, यानी शुक्रवार के दिन करेंगे। और सभी जो पूजा की चीज़ें हैं, जैसे सावित्री सत्यवान की, या तो मूर्तियाँ बाजार से ले सकते हैं या मिट्टी की मूर्ति घर पे बना लीजिए, धूप दीप घी बांस का पंखा लाल कलावा सुहाग पिटारी, मतलब आप चाहें तो 16 श्रृंगार का सामान किसी सौभाग्यवती स्त्री को देने के लिए, या फिर सिर्फ ब्लाउज पीस और चूड़ियाँ, या जो भी सुहाग का सामान जो सुहाग पिटारी बोलते हैं वो आप रेडी कर लीजिए। कच्चा सूत है, चना थोड़ा भिगोएं क्योंकि बायना भी निकालना है, पूजन भी करना और सबको खाना भी चाहिए। बरगद का पेड़ कहाँ पर है वो पता करके रख लीजिए, या बरगद की डाली मंगा लीजिए फल सहित, और एक जल से भरा हुआ कलश, सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, बांस का पंखा, फल, पुष्प, रोली,
पूड़ियाँ चने जो भी भोजन आप भोग के लिए बनाएंगे सात्विक भोजन वो सभी एक दिन पहले ही सारा सामान आप रेडी करके रख लीजिए। चने आपको रात को सोने के पहले भिगो देने हैं। सुबह उठ करके घर की सफाई करके नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान कीजिए, शुद्ध जल से स्नान कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, पवित्र जल गंगा जल खुद पर भी छींटिए या स्नान भी कर सकते हैं गंगा जल डाल के, और पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें, खासकर अपने बेडरूम में। इसके बाद दो टोकरी या थाली सजानी है। पहली टोकरी में सप्तधान भरकर आपको ब्रह्मा जी, सप्तधान नहीं है तो सिर्फ चावल या गेहूँ रख लीजिए, और ब्रह्मा जी और उसके बाईं ओर सावित्री और दूसरी ओर सत्यवान की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। नहीं हो तो सुपारी का भाव कर लीजिए या गमले में से मिट्टी लेकर के छोटी छोटी मूर्तियां बना लीजिए, और दीवार पर या फिर अगर नहीं बना सकते तो वॉल पे, दीवार पे आप पेंटिंग की तरह पे भी उसको बना सकते हैं, स्केच पेन से या कलर्ड स्केच पेन से जैसे भी अंकित कर सकते हैं। बरगद के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं आप, और नहीं मिलता है बड़ का पेड़ तो टहनी ला करके भी घर पर पूजा कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग टेंशन में आ जाते कि वास्तविक वट वृक्ष नहीं है तो आप कैसे पूजा होगी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मुख्य महत्व होता है भावना का, श्रद्धा विश्वास और आस्था का होता है। अब दूसरी टोकरी ले लीजिए, उसमें आप सारा पूजन का सामान रख लीजिए, रोली मोली फूल फल, 5 प्रकार की मिठाई या भोग जो भी बनाएंगे, पान के पत्ते, धूप दीप, देसी घी, हाथ वाला पंखा, अगरबत्ती, फ्रूट्स, सुपारी, इत्र थोड़े से ले लीजिए, पताशे, पानी वाला नारियल, दुर्बा, सिंदूर, अक्षत, जो भी सुहाग पिटारी का सामान है, या फिर 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए बिना सिला हुआ, सारा श्रृंगार का सामान ले लीजिए, 1 लोटा जल ज़रूर लेना है, चने ले लीजिएगा और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा बायना के लिए भी और चढ़ाने के लिए भी सब ले लीजिए, और बरगद के पेड़ के नीचे दोनों टोकरियाँ रख दीजिए। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी को और सावित्री सत्यवान को और वट वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए, फिर रोली मोली धूप दीप चने आदि से सब चढ़ा करके पूजन कर लीजिए। पूजा करते वक्त बोले अवैधव्यम च सौभाग्यम देही त्वम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहणा अर्घ्यम नमोस्तुते, इस प्रकार से बोलते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। जो भी लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही है या जिन स्त्रियों के पति प्यार नहीं करते, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, संतान संबंधी समस्याएं हैं, तो ये सभी को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और गीली मिट्टी उसके बाद वहाँ की अपने फॉरहेड पर उससे तिलक करना चाहिए। कुमकुम से अपने फॉरहेड पर तिलक करें और बड़ के पत्तों के छोटे छोटे गहने बनाकर वहाँ रख दीजिए, जो बाद में आपको पूजा कंप्लीट करके अपने सब जगह हाथों में, बालों में, जहाँ जहाँ 16 श्रृंगार करते हैं वहाँ वहाँ बांधना है। चने हाथ में लेकर वट सावित्री के व्रत की कथा सुने, जो कथा मैंने पहले सुनाई है वो आप सुन सकते हैं, और कथा सुनने के पश्चात हाथ वाले पंखे से बरगद के पेड़ को हवा करनी चाहिए और भोग लगाएं। बरगद के पेड़ से गले भी इस दिन मिला जाता है उनको भाई बना करके, और कहा जाता है कि मेरे और मेरे सुहाग की सदा रक्षा कीजिए। जो गहने बनाए थे आपने वो बालों में, गलों में, चूड़ियों में पहन लीजिए। जो जल था लोटे में वो अर्घ दे दीजिए और इसके बाद बरगद को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए घर का शुद्ध भोजन पूरी, आलू, जो भी आप चाहे चने, हलवा, ये बना करके ले जा सकते हैं। सात्विक भोजन हो बिना प्याज लहसुन का, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वहाँ भोग रख करके मौली या कच्चे सूत से बरगद की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो 3, 5, 11, 21, 51, 108 जो इच्छा कीजिए, हाथ में सूत ले लीजिए या कच्चा वो जो कलावा होता है मौली ले लीजिए और घूमते जाइए और बोलते जाइए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप जो भी मंत्र ओम सावित्री नमः, इस प्रकार से बोलते हुए परिक्रमा करें। तने के चारों ओर बरगद के वृक्ष पर सूत को लाल और पीला जो सूत होता है उसको लपेटने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग भी सफेद रंग का सूत बांधते हैं उससे भी अखंड सौभाग्य और परिवार में समृद्धि आती है, और आप चाहें तो कच्चे सूत को हल्दी में रंग करके भी वटवृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, इससे भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सब पूरा होने के बाद बायने की कटोरी लीजिए, एक कटोरी में थोड़े से चने, उस पर पैसा रख लीजिए और अपने उसको कुमकुम से छिड़क लीजिए और हाथों को घुमाकर उसके ऊपर दुपट्टा चुनरी लेकर के अपनी सासू माँ को बायने के तौर पे दे दीजिए। सासू माँ के चरण स्पर्श करें, सासू माँ ना हो तो बायना उन तक आपको पहुँचाना चाहिए, नहीं पॉसिबल हो तो किसी सासू समान स्त्री को भी आप ये दे सकते हैं। और सब करने के बाद सिंदूर और कुमकुम से किसी सौभाग्यवती स्त्री का आपको पूजन करना चाहिए, सुहाग पिटारी या जो भी गिफ्ट आपने सुहाग की कोई चीज़ आप चाहें तो उसे गिफ्ट कर सकते हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको वस्त्र फल जो बांस के जो पात्र में रख करके पंखा आदि है, घड़ा आदि, वो सभी ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है।
पूजा करके घर जब आते हैं तो पति के पैरों को जल से धोना चाहिए, या ऐसे ही प्रसाद आप उनको चने खिला करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बरगद के वृक्ष में मीठी लस्सी जो लोग भी चढ़ाते हैं, इससे मंगल शनि और राहु का भी दोष दूर होता है। और पितृ बाधा अगर आपके जीवन में है तो इस दिन आपको किसी धार्मिक स्थल पर बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है सच्ची निष्ठा से, ना सिर्फ उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके पति पर जो भी परेशानियाँ आती है वो दूर हो जाते हैं, सौभाग्य की वृद्धि होती है, पतिव्रत धर्म का पालन होता है और सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, भाग्य अखंड रहता है। बस ध्यान रखना है कुछ एक बातों का, इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा कलेश का माहौल बिल्कुल ना रखें, शुद्ध वातावरण शांत वातावरण रखें, किसी भी तरह की अशुद्धि घर में कलेश आदि ना करें, क्रोध आदि ना करें। और बरगद के वृक्ष का जो कोपल है वो खा करके या तो आप व्रत को समाप्त करें या फिर चना खाइए, उससे व्रत समाप्त होता है, व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पति की लंबी आयु का वरदान मिला था इससे, इसलिए इस व्रत को सच्चे मन से करने चाहिए। इस व्रत में कोई भी गलत विचार किसी के प्रति, किसी पराए पुरुष स्त्री के बारे में कोई गलत विचार आपको नहीं लाना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से परहेज करें, सात्विकता का ध्यान रखें और इस दिन प्रसाद में किसी भी प्रकार की खटाई या अम्ल एसिड या नींबू टाइप की चीज़ें हों वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग को भी आदत है कि अपनी सुहाग की चीज़ें चूड़ी बिंदी आदि वो शेयर कर लेते हैं दूसरों से, वो आप ना करें। और श्रृंगार में लाल पीले हरे रंग की चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, नीली काली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे चूड़ी हुई, बिंदी हुई, नीले काले रंग के कपड़े हुए, चूड़ियाँ ही हो गई, ऐसा ना करें। ब्लैक ब्लू या बिंदी भी हुई, ये चीज़ें आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण है वहाँ पर स्त्रियाँ बाहर ना जाएं। सूर्य ग्रहण 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है, लेकिन इस बार हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण है इसलिए नहीं रहेगा। ध्यान रख ले कि सूर्य ग्रहण 10 जून को दोपहर को 1:42 से शुरू होकर 6:41 तक रहेगा, इसलिए कोई भी पूजा पाठ वर्जित होता है हालांकि, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण आंशिक है इसलिए कोई सूतक मान्य नहीं होगा और सुहागन महिलाएँ आराम से जा करके वट सावित्री व्रत की पूजा और व्रत को कर सकते हैं। किसी भी समय कीजिए, किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। इस प्रकार से इस व्रत को पूर्ण करें दोस्तों और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी बहनों से इस व्रत की जो भी विधि मैंने बताई, जो भी सावधानियां बताई है इनको ज़रूर शेयर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी उपाय कब किसकी लाइफ को बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। वट सावित्री व्रत को लेकर किसी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।